Look this side. Look. What is it? Left measure. Left. Sir, सामने देखिए. इधर इधर मेरे को. नीचे. This way. One more. अब सब. Yes, sir. Samne. Yes. Look, please. Yes, sir. All of you. Adi sir, abhi aaje. Sir, aaye na. अरे एक slot तो खत्म. हाँ, आइए आओ. Adi कैसे डाले? Look, please. Smile. Look, Santa. एक left में sir आपके साथ. Sir, yeah, all of you. Left. हाँ. यहाँ पे. हाँ, बीच में. Front, front. Adi भाई. आ जाओ. आइए देखो. हाँ. Yes, सामने देखिए. Yes. सब लेफ्ट से सब लोग थम 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 यहाँ पर स्टार्ट करना सर एक ना ऑल ऑफ यू वन मोर यर हमारे राइटर्स भी आए हैं उनको सीधा सर हाँ फिल्म के राइटर्स भी आए हाँ बुला लीजिए ना थम्स अप थम्स अप हाँ वन मोर क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू कहाँ एम सलीम कहाँ गए भाई या यस लुक दिस Yeah. Adi sahab, aapka solo kar lete hain. Kar lo, kar lo. Sir, yeah. Sir, yahan pe. Adi sir. Haan. Yeah. Sir, this way. One more sir, left. Ek minute, hold on sir. Sir, yahan pe. Aa jao main. Haan, idhar dekhiye sir. Idhar samne. Acha, hua samajh mein aaya kisi ka. Yeah. Haan. Wohi apna jo iska office ka. No, wohi. Thank you, thank you. Sir. Yes, look please. Sir, sir, यहाँ पे आपके left में sir. Sir, तस्वीर बनती है इन दोनों के साथ. आ जा, आ जा. आ जा. Shiva, I'm so happy. Great. Very good. ऐसी Kandy लगाओ कि आप लग जाएं. यहाँ पे तो बोल रहे हो. फिल्म में तो काफ़ी ट्विस्ट होगा एंड जैसे वो सी वाली कैंडी में बहुत सारे फ्लेवर्स और बहुत सारे टेस्ट होते हैं सो दिस के वाला कैंडी हैव अ लॉट ऑफ ट्विस्ट प्लॉटिंग क्राइम सिंस इट्स अ क्राइम स्टोरी एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा सो आर यू रेडी फॉर इट यस बहुत कम आवाज़ आई यस यस दैट्स लाइक माय ऑडियंस पीछे से नहीं आ रही आवाज़ आगे वाले बोल रहे हैं कि हमारी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है चलो साथ में बोलो साथ में बोलो कम ऑन गाइस आर यू रेडी फॉर इट बोलो बोलो कम ऑन दैट्स द स्पिरिट गाइस वी ऑल बिलोंग टू दिस फिल्म इंडस्ट्री एंड वी नो हाउ इंपॉर्टेंट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक अप दिस फिल्म सो लेट्स चेयर फॉर देम एंड ट्रेलर से पहले हम आपको तीन सॉन्ग्स दिखाएंगे एक रोमांटिक सॉन्ग है एक सेंशुअल सॉन्ग है और एक सॉन्ग है पार्टी नंबर टू पेप यू अप उसके बाद हम आपको ट्रेलर दिखाएंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द फिल्म व्हाट डू यू से Yeah. Okay, let's begin then. Come on, can we have the song? Yeah. Kandy twist the crime story. आपको ट्रेलर में कितने ट्विस्ट नजर आए कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग नजर आई अच्छा लगा देख के किसको कड़क लगा
Very nice. Wow, that's a huge standee. और इतना बड़ा स्टैंडी देख के आई एम श्योर फ्रंट रो में जितने भी लोग बैठे बहुत खुशी होगी स्पेशली इन दोनों को बिकॉज इट्स देयर डेब्यू या एक्साइटेड थोड़ा और पीछे ले लो ना Oh, it's a crime story, no? So all these things are allowed. हाँ, trailer launch पे ये सब allowed है, yeah. King. Yeah. Completely. फिल्म बनाई है उन्हें आप बुलाते हैं उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं सबसे पहले मैं उस इंसान को बुलाना चाहूँगी जिन्होंने डायरेक्शन में तो डेब्यू किया है लेकिन एज एन एक्टर आपने उन्हें कम से कम 100 से ज़्यादा फिल्मों में देखा है उन्होंने विलन बन के आप लोगों को डराया भी है और कॉमेडी करके बहुत हंसाया भी है प्लीज़ पुट योर हैंड टुगेदर फॉर शिवा सो ये डायरेक्टर भी है एक्टर भी है राइटर भी है और काफ़ी खुश हैं बिकॉज जब अपनी फिल्म का ट्रेलर बड़े पर्दे पर देखते हैं तो ये खुशी लाजमी है बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती है पर सूरज का एक किरण नहीं दिखती लेकिन आई एम लकी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल नितिन मोदी हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म हु हैड अ गट्स टू मेक अ फिल्म एंड टू रिलीज द फिल्म एज वेल देन कम्स माई फ्रेंड दिलीप सोनी हु इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म And Laliji, they are my very big support. And of course, my cast and crew like Adi Rani, Akshay Kharodia, Divya Singh, Aarti, then my music directors, Dinarash and Greg, and my writer, M. Salim. Everybody knows him. Salim bhai. Okay. Say hi to our audience yeah. there. And sabse zyada, aap log. Media nahi hoti. तो ना फिल्म बनती ना आगे बढ़ती ना लोगों में क्रेज बनता और ना हम अपने अरमान पूरे करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इवेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग माय जॉब आई वुड वांट टू कॉल द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म नो नो प्लीज स्टे हियर प्लीज स्टे हियर आई वांट टू कॉल द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म इट्स हिज फर्स्ट गाइस आई नीड योर हेल्प बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट फिल्म एज अ सोलो डायरेक्टर एंड आई वांट यू टू डू द बेस्ट फॉर मी I'm sure you'll do for me. करेंगे ना सर आप लोग? I'll be always there for you. So please be there for me as well. Okay, please Nitin Modi ji, इनका प्यार एंड पैशन फॉर सिनेमा हैज मेड हिम डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री सो प्लीज वेलकम हिम एंड द मैन जिनकी वजह से हम इस बड़ी स्क्रीन पर जो कि इसके पीछे है बड़ी बड़ी फिल्में देख पाते हैं बिकॉज ही इज द वन हु डिस्ट्रीब्यूट द बिगेस्ट ऑफ द फिल्म्स ही इज बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 20 इयर्स एंड एवरीवन नोज हिम प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर मिस्टर दिलीप सोनी एंड नाउ कम द स्टारकास्ट ऑफ द फिल्म ओह डूड दे आर सो एक्साइटेड लाली जी प्लीज He's a part of the distribution. They are together. Indian talkies. Yes, Indian talkies. Indian talkies. Belongs to Dilip ji. And then comes Lali ji. And Lali ji was very helpful to get this film to Dilip ji. Rasta mujhe unhone dikhaya. Thank you very much, Lali ji. Okay, and now comes the actor. बहुत देर से बैठ के अपने बाल ठीक कर रहे हैं. अपना दुपट्टा ठीक कर रहे हैं. He's like so excited. Okay, now it's my turn. I should get ready. Come on, Akshay. Come on, stage. Woo! Bravo. Akshay Kharodia, it's his debut film. Divya Singh. Come on, guys. तालियों की आवाज़ तो आती रहनी चाहिए. और परी चौधरी को भी आपने फिल्म में देखा. उन्होंने काफी फेस्टिवल फिल्म्स की हैं, पर आज इवेंट में नहीं आ पाई हैं. क्यों? आई थिंक अक्षय को पता है अक्षय आने से पहले डिस्कस कर रहे थे अक्षय कहाँ है नहीं आशीष शूटिंग टुडे एंड नो दिस इज माय फर्स्ट फिल्म सो आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट इट
Oh, really? मतलब ये फिल्म के twist and turns यहाँ तक आ गए हैं. Wow. अच्छा तो हम थोड़ी और पोल खोलते हैं इनका. आदि रानी जी प्लीज कम ऑन स्टेज. आप ही बता रहे हैं सब कुछ. ये एक्टर भी है और शिवा के सबसे करीबी दोस्त भी है. इनकी जोड़ी को आपने कई बार देखा है. या द क्लोज बडीज. मैंने इनको बुलाया शायद जब जन्म लिया तब अपने आँख खोल के माँ को नहीं देखा होगा. बम्बई आके जब आँख खोली तो इसको देखा था मैंने. तो मेरी बम्बई की माँ है ये. मुझे लगा इट्स वेरी ट्विस्टेड. थोड़ा और आगे बढ़े तो हम पहले आरती जी को बुला लेते हैं. गाइस प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर आरती जोशी. गुजराती में काफी थिएटर करती है ये और हिंदी फिल्म इन्होंने भी. हाँ हिंदी फिल्म. वाओ. और अब बड़े पर्दे पर भी देखा हमने इन्हें. हाँ आप कुछ बता रहे थे. क्या बता रहे. नहीं नहीं इसने बोला ना पैदा होते ही मैंने माँ को नहीं देखा मुंबई आकर के. मतलब पैदा होते ही सीधा 21 साल का हो गया था क्या. नहीं पैदा हो गया जब हम खोलते तो माँ ही नजर आती ना पहले. तो बम्बई में जब पहले पैर रखा तो एक मैंने खोला जैसे बाहर जाते बोलते ना जय माता जी. तो मैंने यूं किया तब तक सामने खड़े थे. मैंने बोला वाह मेरी माँ मिल गई मुझे. मतलब फाइनली इसने मुझे लड़की ही बना दिया. नहीं मतलब प्रार्याय है. हाँ हाँ. एंड now I would like to call my music directors, both of them. Please, can we have you on stage? Yeah, actors as well. और आप इन्होंने देखा होगा. Dinero and Greg, yes. इन्होंने गाना गाया है, सुफिया गाना जो आपने देखा होगा, लंबे बाल वाले जो हैं. इनकी भी स्टोरी है. इन्होंने जब म्यूजिक दिया था फिल्म का तो ये शिवाजी को इतने पसंद आया कि इन्होंने इनसे एक्टिंग भी करवाई है. हाँ, he's a good actor. हाँ, so, और गाना तो हमने सुना पर आपका एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था. मैं इससे पहले ये सिर्फ छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर है जो एक्टर भी है. दूसरे कोई है. नहीं ना. नहीं कोई नहीं. हाँ तो ये इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई. म्यूजिक एंड आई वुड लाइक टू कॉल माई राइटर एम सलीम. बिकॉज अगर वो स्क्रीन प्ले डायलॉग नहीं लिखता तो मैं क्या लाता इस फिल्मों के ऊपर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई फ्रेंड मिस्टर सलीम गौर जिन्होंने मेरी फिल्म पूरी बड़ौदा में शूटिंग करवाई. अगर नहीं होते तो शायद ये फिल्म वहाँ नहीं बना पाता. ही इज लाइक अ बैक बोन टू मी. थैंक यू सो मच सलीम भाई. I think yeah. through pretty much done. And एक last में हमारी एक lyrics writer हैं जो एक तो आई नहीं एक हैं. आप आइए दीपा जी and we'll finish this. तो हमारी meet करें. और नीतू क्रांति आए हैं क्या. नीतू क्रांति चीज है. नो चीज ऑल एनीवे. Thank you very much. You can take over now. Okay. Thank you so much. So this is the whole cast and crew. I will take the mic and we can have the photo up, guys. Come on, guys. Come closer and pose. Say cheese. Hold on, all of you. Yeah, center. दादा सर नीचे. दादा साइड हो जा. कितना अच्छा होता है ना व्हेन यू गेट मिक्स ऑफ टैलेंट. राइटर भी डायरेक्टर भी एक्टर भी म्यूजिक डायरेक्टर भी. सो जो अच्छी एक पिक्चर आती है ना दैट्स अ परफेक्ट पिक्चर. एवरीवन इज पोजिंग लाइक अ प्रो. या ओके सो नाउ कैन वी हैव द डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड स्टार कास्ट हियर एंड बाकी सब आप लोग सीट ले सकते हैं. एंड वी विल ओपन द फ्लोर फॉर द मीडिया. नहीं नहीं अभी तो शुरुआत हुई है. अभी तो मीडिया सवाल करेगी. प्लीज आप लोग हाथ उठा सकते हैं जो भी सवाल पूछना चाहते हैं. विल गेट योर माइक. सवाल पूछने से पहले ये प्रण ले लेना
कि फिल्म को कहीं कहीं कहां कोने कोने तक पहुंचाना है शिवा सर मेरा सवाल आपसे है अब तक हमने देखा है कि एज एन एक्टर आपने आपको देखा है पर्दे के पीछे रहने का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा पर्दे के पीछे बहुत अच्छा लगा बेसिकली जितने भी एक्टर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स स्पेशली एंड आदि इज लाइक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड और उसने इस फिल्म में बहुत कमाल का रोल किया है एंड ही इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म हालांकि लड़का या लड़की ने तो काम किया ही बिकॉज फिल्म इज बेस्ड ऑन दिस बॉय एंड दिस गर्ल बट अदी इज ब्रिलियंट इन द फिल्म एंड इट वाज रियली डिफरेंट एक कहते ना कि डिफरेंट माहौल होता है एज एन एक्टर मैं एक ही कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ बट एज अ डायरेक्टर आई कैन प्ले इन्यूमरस कैरेक्टर्स मतलब आई कैन प्ले द हीरोइन कैरेक्टर हीरोज कैरेक्टर विलन्स कैरेक्टर फादर्स कैरेक्टर टीचर्स कैरेक्टर मतलब कोई इसकी उसकी कोई सीमा नहीं है तो मुझे एक्टर बनने से ज़्यादा अभी मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर पहले से बना तो आज तक मैंने कम से कम हज़ारों कैरेक्टर्स प्ले कर लिए होते हैं अलग अलग फिल्मों में तो एज एन डायरेक्टर किसी डायरेक्टर से इंस्पिरेशन लिया था क्योंकि आपने तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो ऐसा कोई डायरेक्टर है जिसका बहुत इंस्पिरेशन लिया हो एक है मणि रत्नम देन द सेकंड वन इज मुकुल आनंद एंड मेरा मानना है कि ये तो सिर्फ दे आर लाइक जीनियस हैं बट देर आर इवन न्यू डायरेक्टर्स जो आते हैं जो छोटे मोटे डायरेक्टर्स होते हैं या छोटी मोटी फिल्म वो भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो जीनियस बन गए उसमें ही कमाल की टैलेंट है न्यू कमर्स आते हैं ऐसे कोई चीज़ बना के जाता रही यार ये तो पता ही नहीं था सो आई यूज़ टू वर्क विथ ऑल द डायरेक्टर्स चाहे वो ए ग्रेड फिल्म हो बी ग्रेड हो सी ग्रेड कोई भी फिल्म हो मैं अच्छी चीज़ें उनसे हासिल करता था बिकॉज मैंने एज अ डायरेक्टर कोई असिस्ट नहीं किया है बट देन बिकॉज आई यूज़ टू सी ऑल दिस पीपल मेरा विजन बढ़ता गया एंड आई थिंक प्रैक्टिकली वो विजन काम आता है जो आप हमेशा सीखते हो नॉट थियोरिकली प्रैक्टिकली तो सर आपने पहले से सोचा था कि डायरेक्शन करना है या फिर मतलब हाँ जब एक्टर बना था तभी सोचा था कि यार जब मैं फिल्म शूटिंग करता था मैंने शूटिंग फॉर कयामत से कयामत तक वो द फर्स्ट फिल्म ऑफ माइंड विथ आमिर खान एंड मंसूर खान तो आई टू वॉच दैम डूइंग डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट्स एंड देन डिस्कसिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ तो मुझे अच्छा लगा क्या मज़ा आता होगा तो नया आज मंसूर को मैंने पूछा एक बार असर सर एज एन एक्टर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं शॉर्ट देके बैठ जाता हूँ आपको क्या मज़ा आता है सर कि दिस इज़ अ क्रिएटिव जो कीड़ा होता है ना उसको सेटिस्फाई करने वाली बात है मतलब आई एम डायरेक्टिंग सो मेनी एक्टर्स एंड माई फिल्म पीपल आर गोइंग टू वेट फॉर इट कि यार एक डायरेक्टर फिल्म बनाने वाला है वो कैसी फिल्म बनाने वाला है क्या होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे एक डायरेक्टर बनूँ जो लोग आगे सोचे कि दिस मैन इज मेड अ फिल्म इसमें कुछ ना कुछ बात होगी तो यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म सर जैसे मैंने मेंशन किया कि ऑलरेडी आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया क्या उनको उनको दिखाने के लिए मतलब कोई स्पेशल स्क्रीनिंग या ऐसा कुछ रखने वाले ताकि आपका काम उनको भी पता चले जी मैं रखने वाला हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं एंड आज का एक दो दिन में मैं यही बात कर रहा था सबसे बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट स्पेशल शो 25th ऑफ दिस मंथ तो मैंने सोचा कि मैं सारे लोगों को जो अपने दोस्त हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं आई वॉन्ट टू मेक देम प्राउड बिकॉज जब मैंने ये सब ले आउट भेजा डिज़ाइन का दे आर वेरी हैप्पी एंड सेड आई एम प्राउड ऑफ यू आई एम प्राउड ऑफ यू तो आई वॉन्ट टू शो द फिल्म कि ये तो देखिए आप प्राउड टू फिल कर रहे हो वॉच द फिल्म एंड देन टेल मी इफ यू आर प्राउड ऑफ मी और नॉट ओके नितिन जी से जानना चाहूँगा प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म अब अमूमन जब कोई नया प्रोड्यूसर बॉलीवुड का हिस्सा बनता है ज़्यादा करके जब देखा गया है कि लव स्टोरी ज़्यादा चुनी जाती है आपने एक क्राइम थ्रिलर चुना और क्या खास वजह रही इस स्टोरी को चुनने की और हाउ दिस होल प्रोजेक्ट स्टार्टेड एक्चुअली आई वांटेड टू डू समथिंग इन बॉलीवुड लिटिल क्लोजर योर माइक थ्रू अ कॉमन फ्रेंड आई एक्चुअली मेट शिवा एंड लाइक यू नो वी वर जस्ट डिस्कसिंग लाइक यू नो व्हाट वी कैन डू टुगेदर एंड द थिंग्स एंड ही नरेटेड मी द स्टोरी एंड द वे ही नरेटेड द स्टोरी इट एक्चुअली अपील लाइक यू नो लेट्स डू दिस टुगेदर and that is where the entire thing started and then we started off like you know screening for the cast for everything and the team is here inko bhi kamal ka kissa batao unko bhi log mil gaye the ki are yaar film banai hai yu bech dunga yahan bech dunga yahan bech dunga ye itna daloge itna 25 30 lakh to aapke jeb mein aa jayega unhone very good to mujhe aage bola ki sir aap to film bana ke bolte ho ki bas depends on the distributor and audience ki paise aayega ki nahi aayega but ek to bolta hai ki main to guarantee deta hu ki yahan ya bech ke film मैंने बोला एक काम करते हैं 100 रुपये का हम स्टैम्प पेपर लेके जाते हैं और आप बोलो मैं उसको बोलूँगा कि भाई देख ये स्टैम्प पेपर है व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट कि इनको 25 लाख इनको 25 लाख भी नहीं चाहिए जो डाला वो डलवा दे वापस तो भी चलेगा अरे क्या शिवा भाई इंडस्ट्री में इतने सालों से आप मुझे ये सब बातें पूछते हो तो मैंने बोला क्यों गलत बात बताता है इनको है ना तो सर यार तुम तो मेरा काम खराब करने आ गए मैंने काम खराब करने एक इंसान को बचाने आया हो
कि सच्चा बोलो कि भाई दिस इज अ गैम्बलिंग वर्ल्ड, आप एक पैसा डालेंगे तो एक करोड़ भी आएगा, एक पैसा डालेंगे तो जीरो भी आएगा. सो यू कांट वेट एंड कांट डिपेंड ऑन दिस इंडस्ट्री टू हैव मनी बैक. यू हैव टू सेटिस्फाई योर पैशन, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. ओके शिवा सर, आपसे ही जानना चाहूँगा, कयामत से कयामत तक या हम कयामत से कयामत तक हम अनगिनत फिल्में आपके नाम, इट्स ओके सर इफ यू कैन हियर मी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत किरदार, और उसके बाद डायरेक्शन की तरफ रुख करना. जैसे आपने भी कहा कि प्रोड्यूसर साहब को कोई साहब मिल गए थे और उन्होंने कहा कि किस तरह का बदलाव देखते हैं आप फिल्म मेकिंग के अंदर, और जिस तरह का सब कुछ हो गया है. एक वक्त हुआ करता था कि 25-25 हफ्ते फिल्में चला करती थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली. तो सर हर चीज़ में बदलाव आना जरूरी, एवोल्यूशन इज एवरीवेयर, चाहे वो ह्यूमन काइंड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो. तो आई थिंक एवोल्यूशन बहुत अच्छा आया है, लॉट ऑफ थिंग हैज चेंज. और एक अच्छी बात यह है कि सब लोग अपने टोज पर है कि ये अच्छी बना के जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, आई हैव टू मेक द बेटर फिल्म देन हिम. अपने आप से इंसान कॉम्पिटिशन करता है. तो आई थिंक द थिंग इज द वर्ल्ड इज चेंज, इंडस्ट्री इज चेंज, बट फॉर द बेटरमेंट. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि वो चल गया है. और आज के वक्त में बहुत ही वेरिड सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनती है, पहले इतना नहीं बनता था. पहले तो यही था, खूब कमीने तेरा खून पी जाऊँगा, और कमीने हम होते थे, हमारे खून पे नहीं रो आ जाते थे. सो दैट वॉज ओनली वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. आज तो कितनी अलग अलग चीज़ें बनती है, तो हमें अच्छा लगता है कि वी कैन वर्क ऑन अ वेरिड सिचुएशन एंड वर्क. मैं एक्टर से जानना चाहूँगी, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था, हमेशा बड़े पर्दे पर जब एक्टर्स को देखा था, आज खुद को देख के कैसा लगा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? हाय, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, एंड रियली दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ माइन, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक शिवा सर कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया. एंड ये भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है इस चीज़ की कि कैसे कास्टिंग हुई इसकी. सो आई थिंक सर के मुंह से ज़्यादा सुनेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको मज़ा आएगा. स्टोरी सुनाते रहेंगे ना तो धीरे धीरे मालूम पड़ा, धीरे खाली होता गया सब. तो काफ़ी इंटरटेनिंग हमारी स्टोरी थी, एंड सर ने मुझे कैरेक्टर के लिए चूज़ किया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैम. एंड बाकी हमारे प्रोड्यूसर नितिन सर, एंड दे बोथ जस्ट सेलेक्टेड मी फॉर द फिल्म. एंड कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, एंड रियली जब मैं छोटा था तब तो मुझे नहीं था कुछ ऐसा कि मैं कभी एक्टर बनूंगा या कुछ ऐसा था, बट कहीं ना कहीं एक अंदर था कि मुझे एक्ट करना है, और कहीं ना कहीं एक पैशन था कि मुझे करना है. और तो उस पैशन को मौका इन लोगों ने दिया मुझे आज इस पर्दे पे लाने पे. एंड या इट्स रियली अ क्रेजी थिंग कि बीन एन एक्टर इज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, कि इतनी मीडिया को सामने आके फेस करना इज रियली डिफिकल्ट टास्क. But yeah, I'm enjoying this. This is my first time, so yeah, next time I'll be habitual of this. Ooh, I like that confidence. Good. Yeah, you are confident. Very good. Pari. Hello everyone. Divya. Hello everyone. Thank you so much for coming here and support us. And आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, कैन यू जस्ट रिपीट इट? Just tell us your experience. अपने आपको बड़े पर्दे पर देख के आपको कैसा लगा? Okay. मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी. इट्स ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंड, एंड जो भी मेरे रास्ते में आया, आई ओपन्ड माय आर्म्स एंड एक्सेप्टेड इट विद हैप्पीनेस. तो ये फिल्म ऑल ऑफ अ सडन, इट वाज नॉट लाइक क्या, हम शूट पे जाने वाले थे और 5 दिन पहले मेरी कास्टिंग हुई थी, जस्ट 5 डेज बिफोर द शूटिंग. एंड तब मुझे लगा था ओके लेट्स डू इट, बिकॉज I know Shiva sir from last 4 years, almost 4 years, yes. And मुझे expectation नहीं था कि मतलब इतना अच्छा film बन के आएगा. मैंने बोला चलो at least it's better sitting at home, do something, it will polish me being an actor like. तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं. बट अभी एग्जैक्टली जब मैं देख रही थी अपना song, I was so happy, I can't explain it. So thank you Shiva sir, thank you so much for this opportunity. Thank you sir, all the best. I know it's surreal. Aarti, you've done a lot of theater. Yes, I have done lots of theater, and now it's big screen. Yeah, recently I have done a PM Narendra Modi's film. बट ये मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, स्पेशल विथ शिवा सर, क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हमेशा. उनको ऐसे विलन के तौर पे देखना भी, मतलब उनकी फिल्म मैंने कभी नहीं छोड़ी थी. बट अब एक बार ऐसे जैसे दिव्या ने बोला कि ऑल ऑफ सडन आई थिंक सबकी कास्टिंग हुई है 5-6 दिन पहले ही, जब वो
ऑलरेडी सेट पर पहुंच चुके थे आई थिंक, है ना सर? सेट पर पहुंचने के बाद फ़ोन आ रहा है कि आरती भी हमारी ये फिल्म चल रही है, ये है. आई थिंक मुझे याद नहीं कि मैंने उनको पूरा डिटेल भी पूछा होगा कि सर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़े वही थे कि हाँ शिवा सर है, दैट इज़ बेस्ट थिंग. और जाने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर मैंने प्ले किया, शायद एक ट्विस्ट दिया है, तो बहुत मज़े किए हम सब ने और बहुत एंजॉय के साथ हमें विथआउट एनी स्ट्रेस बहुत अच्छे से शूट किया कम्प्लीटली. और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा 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 बेस्ट रहा. थैंक यू. स्ट्रेस तो बहुत था, स्ट्रेस बहुत था. शिवा सर से बहुत डांट खाई है मैंने, बहुत डांट खाई है. ये ना कमाल का किस्सा, हम शूटिंग करने गए तो वहाँ पर ये लोग अपना स्क्रीन पे तो जानते ही थे, लेकिन जिस तरह मैं शॉट लेता था तो सारे लोग अंदर ही बात करते हैं क्या शॉट ले रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है ना. और मेरे दोस्त आदि आके बोला शिवा तू शॉट्स तो कमाल के ले रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, लेकिन तू बना क्या रहा है? मैंने बोला कोई नहीं जानता, कैमरामैन भी पूछता था सर कैमरा कहाँ रखो, मुझे नहीं मालूम कहाँ रखना. तो ऐसे तू कैमरा यहाँ रखो, इधर रखो, तो बस सब ब्लाइंड फोर्डली सब काम कर रहे थे. बट आई न्यू कि व्हाट आई एम मेकिंग इट, एंड अल्टीमेटली मैंने बोला जब फिल्म बन के आ जाएगी तब आप सब देखना, अगर किसी की कोई कंप्लेन है तो मुझे बताना. एंड गॉड मैंने गॉड ब्लेसिंग्स के हिसाब से कि जिन्होंने फिल्म देखी जब एक ट्रायल शो के हिसाब से, एंड एवरीबडी केम आउट विद Big smile. And I was so relaxed. So it happens. So इसलिए कहते ना कभी किसी को underestimate मत करो. Till the project comes out, till the result comes out, just keep quiet and do your job. So I used to tell everybody like that. Anyway. मैं जानना चाहूँगी आदि जी से, जब आपको बताया था इस फिल्म के बारे में शिवाजी ने, तो आपने स्क्रिप्ट कहानी कुछ भी पूछा था थोड़ा बहुत या क्योंकि उन्होंने बोला फिल्म बना रहा हूँ आपने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ? एज एन एक्टर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और एज ए डायरेक्टर भी हम लोगों ने एक साथ में काम किया हुआ एक फिल्म में, तो मुझे इस पे कॉन्फिडेंस पूरा था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना अच्छा काम कर जाएगा. तो स्क्रिप्ट के बारे में मैंने उसको कभी पूछा नहीं, बट उसने मुझे कहानी फिर भी सुनाई थी कि ऐसी ऐसी कहानी है, एम सलीम लिख रहे हैं और हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं. मतलब करो भैया, और जब ऐसे ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेना, तो फिर बुला लिया भाई ने और ऐसा रोल दे दिया कि मुझे ऐसा लगा कि बाप रे बाप, फिल्म का अमिताभ बच्चन हूँ मैं या शाहरुख खान हूँ? पर कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट व्हाटएवर आई एम देयर, आई एम देयर एज एन एक्टर, दैट्स इट. और ग्रेग और डिनेरो, आप लोगों ने गाने तो बहुत बनाए हैं, यहाँ पे आपको एक्टर बना दिया इन्होंने, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाय गाइस, सो एक्टर वाली बात तो मैं बाद में बताऊंगा, बट गाने वाला जो एक्सपीरियंस था कि हाउ काफ़ी बारी शिवा भैया एंड मैं लाइक वी हंग आउट सो मेनी टाइम्स एंड ओवर काफ़ी लोगों को स्टोरीज बताते रहते थे फ़ोन पे और मुझे भी वही. तो मैं सोचता था इस इंसान के अंदर कितने पेशेंस हैं और मतलब, और क्योंकि हर एक अगर इफ़ यू विल गेट अ फोन कॉल लाइक एंड यूल गेट 500 फोन कॉल्स एंड यू टॉक डिस्कसिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर, सो इमेजिन लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेंटल प्रेजेंस यू नीड इन योर माइंड के यार मुझे वही बात दोबारा. एंड आई सी दैट आई वाज लर्निंग, सो ही टोल्ड मी कि यार मुझे ना इस गाने मुझे एक गाना सॉफ्ट नंबर पे चाहिए, मुझे एक गाना ऐसा चाहिए. एंड एक कमाल की बात है कि जो आगोश जो गाना है, सो भैया मेरे पास सुबह के टाइम पे मी एंड ग्रेग वाज लाइक प्लानिंग टू वर्क एंड ही हैज़ कम अप विद सम लिरिक्स एंड ही इज़ लाइक यार ये लिरिक्स हैं और सुबह दोपहर को हमारी राइटर आने वाली है एंड विल सिट डाउन एंड स्टफ. सो 5 बजे का हमारा टाइम था वे टू मीट हिम एंड 5 o'clock बाय द टाइम ही केम वी मेड द ट्रैक ऑलरेडी एंड आंतरा भी कर दिया था उसका लेकिन सेकेंड आंतरा नहीं किया. तो जब आए हैं भैया अंदर घर पे एंड ही इज लाइक यू नो यार लेट्स वर्क ऑन द लिरिक्स आई नो द ट्रैक इज ऑलरेडी रेडी लाइक लिसन टू इट. सो ही लिसन टू इट एंड ही वाज लाइक आई डोंट नो ही विल टेल यू अबाउट इट. But for acting, for me, acting as an inspector in this film and working with Adi Bhaiya in it, yeah. It makes me, yeah, it changed the spot actually. So working with him was like amazing and because like I grew up watching their films and it was always an ideal and they were very good friends of mine, they were my big brothers. So
पूछ लिया करता था आदि भैया से हर एक शॉट के टाइम पे कि यार भैया बता देना, बड़ा नर्वस नर्वस फील हो रहा है अंदर. अब पता नहीं यार शिवा भैया नाराज ना हो जाए कहीं शॉट पे कि तूने क्या कर दिया ये. तो मेरे को उससे थोड़ा सा घबराहट रहती थी. गानों के लिए तो दैट्स इट्स फाइन बिकॉज ही वाज डायरेक्टिंग इट, आई वाज देयर एंड आई वॉच्ड द एंटायर सॉन्ग्स एंड स्टफ. बट एक्टिंग में मेरे को थोड़ा सा हिच था. तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी भैया से, भैया एक्टर बना तो रहे हो, हमें डायलॉग डूलॉग मत देना ज़्यादा क्योंकि नहीं बोल पाएंगे ज़्यादा, हम डायलॉग वाला नहीं हो पाएंगे. तो बोल रहे थे नहीं नहीं तेरे को मैं साइलेंट पिक्चर वाली एक्टिंग नहीं दूंगा, तो कुछ कुछ बोलेगा बीच में. सो सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद कैंडी ट्विस्ट द क्राइम स्टोरी विद शिवा रिंदानी आदि रानी एंड ऑल द क्रू. आई एम रियली थैंकफुल दैट आई एम हियर विद यू गाइस. मच रिस्पेक्ट एंड लव टू ऑल ऑफ यू. I just want to say thank you to Shiva Bhaiya and Sir Adi and our director Dinara Ash. This was a great experience for us guys, and I don't want to say much, but we want to rock this song together. Go and get the song, listen to it, and rock and roll, guys! And we would love to listen to guys, and this music is going to reach out to a lot of masses, and I hope you guys will support us with this music. And I wish everybody all the best of luck, and let this music rock on! Woo! Hey. Woo. Come on, three cheers for... Thank you so much. Come on, guys, three cheers for your film. Kandy twist the crime story. Please, usko charo taraf bahado. Aur there'll be an obligation to me, and I'll be always there for you people whenever you need me. Inshallah. Guys, aap log agar one on one karna chahte hain, kisi se baat karna chahte hain, so Stakas will be available here for some more time, so you can have your one on one or group bites. Thank you so much. Thank you for being such lovely audience. देखिए अगर सारा कुछ मैं अभी बता दूंगी तो लाइक क्लाइमेक्स रिवील हो जाएगा. सो बेटर लाइक मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी, यू शुड कम एंड वॉच इट. एंड बाकी आई एम लुकिंग गॉर्जियस, आई एम लुकिंग सेक्सी, दैट्स एनफ. थैंक यू. एक्चुअली ये कैरेक्टर जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ इस सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर, बट द फिल्म में जो ट्विस्ट है ना दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय व्हेन यू कम टू वॉच द फिल्म. तो मैं चाहता हूँ पहले आप फिल्म देखने आए, देन यू सी द कैरेक्टर एंड देन यू रियलाइज कि क्या उसका आपके लिए ओपिनियन है. सो यू बट ये जितना सीधा दिख रहा है ना वैसा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है फिल्म में, इसका उल्टा है. सो आई थिंक आपने सॉन्ग देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि शी इज टू गुड. थैंक यू सो मच. सो या एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? या हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद शिवा सर एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम हिम? एक्चुअली शिवा सर से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है. इतना प्रेशर मैं नहीं ले सकती है, ट्रस्ट मी, मेरा ऐसे ना ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा. प्रेशर का रिजल्ट बहुत अच्छा है. इतना प्रेशर लिया उन्होंने, आई सीरियसली मतलब सर मेरे को सिखा दो ये. सिखा दो कैसे करते हो आप. मैं बताना चाहूंगा और उन्होंने स्टोरी में जो ट्विस्ट था उसके साथ साथ हमें भी ऐसा ट्विस्ट ट्विस्ट करके. बट सीरियसली सबसे इम्पॉर्टेंट था कि सर का जो बनाने का डेडिकेशन था, जब सर पहली बार हमें स्क्रिप्ट नरेशन कर रहे थे तो दैट वाज द मोमेंट कि सर का जो बनाने का पैशन था ना, तो हमें ये था कि एक्चुअली हम सर के पहले से बचपन से फिल्म से देखते आए, तो एक अंदर था एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट थी बट एज ए एक्टर थी, बट एज ए डायरेक्टर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि सर क्या करेंगे कैसे करेंगे. एंड सबसे ज़्यादा मैं कन्फ्यूज था क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ फिल्म मेकर वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन था पता नहीं कैसे बनेगा. बट जब सर ने नरेशन दिया वो एक कैरेक्टर को अलग अलग इजी ब्रीफ था एंड वो बनाने का जो पैशन था वो एक मज़ा आ रहा था सुनने में. तो हमें ये था कि अगर हम सर की क्रिएशन का पार्ट हो सके तो दैट विल बी लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस एंड दैट हैपन टूडे, दैट्स चेंज ऑल आर लाइफ टूडे एंड लाइक वी आर सो एक्साइटेड टू यू नो वॉच द फिल्म एंड सी द रिव्यूज ऑफ यू गाइस. पहली बात लाइक in this industry people are very rare people, like 1% people are there who actually launch some fresher new face
I'm thankful to him. He gave me opportunity to show me what I have. So I'm like nepotism ko break karke, he's the one jo leke aa rahe hain new faces. They try like given us a chance. So that's the big deal. Right now, big banners, everyone is not giving chance to fresh new faces. So he's the one who is giving it. So that's called the daring man. Right now, people don't have daring. They have money, they have big scripts, but they don't have that guts to do that. So he have a guts, he proved it, and he's releasing his film. And we all are like super excited about it. And I'm sure film and is we going need to do your support. Because you are guys जिन्हें बड़े-बड़े stars बनाए and हम लोगों का career आप लोगों के हाथ में अब now very good हम सबका career आप लोगों के हाथ में आप लोगों के हाथ में है so अब देखते हैं कि हम आप कहाँ तक हैं and हम जल्दी वापस मिलने वाले हैं वैसे बहुत जल्दी also हमने देखा कि कुछ bold scene भी थे कितने comfortable थे आप लोग as a debutant और sir ने क्या brief किया था आप लोगों को मेरे से पूछो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोल मैंने किया है इसलिए नहीं किया है बट ये जो मेरे साथ हुआ है मतलब होता है मेरे ख्याल से हर लड़की को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है डूइंग दिस सीन इन फ्रंट ऑफ टू मेनी पीपल लाइक पूरा क्रू है एंड उसके सामने आपको ऐसा सीन करना है बट शिवा सर ने मुझे बहुत कम्फर्टेबल फील करवाया मतलब आई वॉज वेयरिंग बिकनी एंड आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम वेयरिंग बिकनी आई एम लाइक आई वॉज लाइक फुल क्लोथ यू नो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरा कपड़ा पहनी हुई हूँ मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम इन बिकनी नॉट इवन शिवा सर द होल क्रू दे सपोर्टेड मी इन दैट मोमेंट एंड आई एम रियली एंड आई वाज द मोस्ट मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ सबसे ज्यादा डरा हुआ मैं था बिकॉज उल्टा मैंने इसको कन्विंस किया एंड शी वाज लाइक अक्षय कुछ नहीं होगा डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है रिलैक्स एंड शिवा सर इज लाइक तुम दोनों ना डिस्कस कर लो तुम दोनों कैसे करना है मुझे उल्टा शिवा सर ने हमें अकेले छोड़ दिया कि तुम लोग अपना केमिस्ट्री बिकॉज़ इट्स रियली डिफिकल्ट यू नो कि लोगों को बहुत इजी लगता है टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बट द थिंग इज इट्स रियली डिफिकल्ट बट हमें ऐसा फील नहीं होने दिया सर ने हम सेट पे पूरी टीम हर कोई था एंड वी वर जस्ट यू नो एंजॉयिंग It's kind of like it become a family for us. We are enjoying with our music director, producer. So we are हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि यू नो कि हम किसी और के सामने या हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं चीज़ों को करने के लिए तो उसमें हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे मैं थोड़ा कॉन्शियस था बिकॉज मुझे तो लाइक ऑन स्क्रीन ये पहली बार कुछ था शाय टाइप्स पहली बार मेरा भी था मेरा कोई 100 टाइम नहीं था बट यू ही इज वेरी शाय टाइप सो आ रहा है मेरे को पता कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको ओपन अप करने के लिए क्यों ना हो सर ने इतने अच्छे से उसे डिस्क्राइब किया है सो हमने बहुत अच्छे से हमें कुछ एक सीन है जैसे कुछ हमने जहाँ पे कैंडी ट्विस्ट दिया है जबरदस्त वाला वो करते हुए हम लोग सीरियसली कांप रहे थे कि हम लोग कैसे करें बट वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्ले किया बट आप चुप रहो चुप रहो कोई भी टफ सीन नहीं कोई भी टफ सीन को देखना अभी से नहीं बताने नहीं मैं बोल रही हूँ जस्ट कोई भी टफ सीन हो कितना भी हो बट उन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हमने बहुत अच्छे से भी प्ले कर पाए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ एक एक्टर के लिए होता है वो डेब्यू होता है एंड वो कैसे मिलता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज लोगों को क्या होता है कि ऑन स्क्रीन तो आप आ गए मगर चांस कैसे मिला वो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है तो ये हमारी कैंडी ट्विस्ट में ये भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सर ने मुझे कैसे मिले और सर ने मुझे कैसे लॉक किया सो दैट्स द वेरी बिग स्टोरी बड़ा परेशान था कास्ट करने क्योंकि मेरा जो लड़का चाहिए मुझे वो बहुत ही क्यूट गुड लुकिंग और आम जितने लड़के की शक्ल दिखती है उससे कुछ अलग चाहिए मुझे और मैं बहुत सारे लड़के देखे हैं और उनसे मैंने थोड़ा परफॉर्मेंस भी करवाया आई वाज नॉट हैप्पी कि मुझे वो चाहिए था कि जो मतलब इतना भोला कि मतलब कहते ना कि हुस्न के सामने ख़त्म हो जाए है ना तो वो भोलापन चाहिए था मुझे तो मैं FTC सुनील शेट्टी के वहाँ मैंने कास्टिंग की थी तो उनके ग्रुप वाले बैठे थे तो मैंने बोला यार कोई लड़का नहीं मिल रहा है 100-200-300 लड़के देखने हैं क्या ऐसे सर आज सुबह एक लड़के ने एक फ़ोटो भेजी है जरा देखो देखा मैंने बोला अभी क्या भेजो यही होगी देखा यही चाहिए सर एक्टिंग मैंने एक्टिंग नहीं पूछनी है मुझे अगर शक्ल मिल गई मेरी मेरा 50% मेरा काम हो गया एक्टिंग तो एज एन एक्टर आई नो वी कैन मेक देम एक्ट वर्कशॉप देंगे कुछ देंगे बट ये फेस मुझे नहीं मिल रहा था तो आई गॉट दिस फेस एंड लकीली हुएवर सीन द फिल्म दे हैव लाइक्ड हिम जो इवन जो एडिट करता है या जो 5.1 मिक्सिंग कराता है बोले सर आपका हीरो बहुत खूबसूरत है डिफरेंट फेस वाला है
तो आई सेड आई वर्कड हार्ड ऑन दिस. तो बेसिकली सारे जितने कैरेक्टर्स हैं ना उन सब के साथ मेरा ऐसा ही हुआ है, लास्ट मोमेंट पे तब्दीली हुई और ये लोग आ गए अंदर. एक ही था मेरा पिलर, वो है अदी रानी, मतलब वो है ना, हाँ वो है ना, तो फिल्म निकल जाएगी मेरी. बहुत सोचा था आपने फिल्म बनाने से पहले? बहुत चैलेंजिंग होता है, बट माई दिस किड्स वर वेरी गुड. उन्होंने, मैं बहुत गुस्से हो रहा था बिकॉज आई हैड कंस्ट्रेंट टाइमिंग कि मुझे इतने दिन में फिल्म कंप्लीट करनी. प्रोड्यूसर ने एक जगह पे डंडा डाल दिया था, इसके ऊपर जाओगे फिल्म बंद. सो मेरे सर पे तलवार थी एंड ही हैड गिवन मी लिबरल हैंड कि यहाँ तक आप जो भी करना है करो, बट आई वॉन्ट दिस फिल्म इन टू दिस ब्रैकेट. तो मैंने बहुत पूरी मेहनत की, पूरा स्क्रिप्टिंग किया, ये किया, मैंने यहाँ तक ये हो गया कि जितने भी एक्टर्स हैं, मेरा कैमरामैन, मेरे लाइटमैन, मेरे स्पॉट बॉय, इन सबको स्क्रिप्ट याद हो गई थी. तो मैं कभी भूलता नहीं शॉट. अरे सर वो शॉट ले गया आपका, वो जो क्लोज लेना था, तेरे को इतनी स्क्रिप्ट आपने पढ़ पढ़ के सुना दी है सबको. सबको स्क्रिप्ट याद है. तो एंड दूसरी बात ये थी कि मेरे शूटिंग में काफ़ी मस्ती होती रहती है एंड सबसे बड़ा मज़ा किया अदी ईरानी. मतलब कहीं भी होगा वो माहौल कभी ठंडा नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा. सो मेरे सारे एक्टर्स और जितने भी लोग थे यूज़ टू बी हैप्पी विथ हिम एंड यूज़ टू बी मैड विथ हिम. सो आई वॉज हैप्पी दैट दे वर हैप्पी एंड उनका चार्ज रहता था काम करने में एंड आई वॉज इन माई वर्क. सो बैलेंस कर लिया उसने. इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. थैंक यू. एंड आई वुडन्ट माइंड टू एक्ट विथ न्यू कमर्स अगेन एंड अगेन, प्रोवाइडेड दे कम ऑन टाइम एंड दे वर्क हार्ड. डेडिकेशन, आज कल के लड़के जो हैं वो बहुत ही, 5 बजे बोलो तो 6 बजे पहुँचते, 6 बजे बोलो 7 बजे पहुँचते. गाइज आई विल टेल यू वन थिंग, आपको इंडस्ट्री में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है एंड डेडिकेट योर सेल्फ टू दिस टैलेंट. आपको कोई रोक नहीं सकता, मुझे किसी ने रोका नहीं ना बिकॉज ऑफ दैट. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. ओके सर, ऐसी बहुत फिल्में कम होती है जिसका म्यूजिक यूएसपी होता है. इस फिल्म का जो है म्यूजिक यूएसपी है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी प्रिपरेशन की है इस फिल्म को लेके, और थोड़ा सा बताइए सर म्यूजिक के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक म्यूज़िक इसमें जो बनाया गया है वो सिचुएशनल म्यूज़िक क्रिएट किया गया है फिल्म के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से. सो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एंड हम लोगों ने बॉम्बे में भी रिकॉर्ड किया, कुछ लिरिक्स हमने गोवा में भी करे, दिल्ली में भी करा. सो वी ट्रैवल्ड अ लॉट अमंग अस बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग म्यूजिशंस, वी परफॉर्म ऑल्सो. So getting to the film project is like was nice and exciting also. Plus we wanted to give our 100% on the lyrics, music, and also the whole structure of the tracks and composition. So humne kafi mehnat kari and we worked really hard and we are very much honored and you know to be here. Greg, anything you'd like to add? I think yeah, it's been amazing. The journey's been really amazing, and there were a lot of things that came up, you know. But while we were doing the song and yeah. stuff, so a lot of ideas in between, days, nights, overnights. So it was a non-stop affair. Nights a lot of changes nights. Also, like last minute changes happened. Last then, minute changes and all that so stuff. Then you rectify those things and then... Oh, and I'll be, oh, it's 3 o'clock, man. Hey, Greg. So, Dino calls, hey, Greg, 3 o'clock, change that part. Get up, wake up. Like, you know, so I say, oh, this is what we got to do sometimes. So, it all happens, you know, while everybody's sleeping. So, that's when we work, actually. So create. So, that's when you can create and stuff like this. No one to disturb you. No bells, no phone calls, you know. All that stuff. So it's you can put your heart and soul into what you're doing, and creation comes when you dedicate your mind and your soul towards it. So we worked around on and off like 2.5 months to prepare the entire structure of the tracks, select artist, lyrics, and the type of lyrics that we want. And again, like I said, ke beech mein hamare kafi changes ho gaye the tracks mein, so we made that. And yeah, so the great journey and the result was great and came out really good, and I hope you guys like it.
This is our first project, and we have other projects also lined up after Kandy Twist, the crime story. It's become a platform for us, and a lot of people liked our music. And after that, we got a chance from other films to which they want us to make music for them. And this is a great life opportunity. I must thank Shiva Bhaiya that he thought that we are capable of delivering him the tracks and also the what he wants. And sure, mehnat, there's a lot of mehnat in everything. Like you work, you have to work hard if you want to see the good results. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you so much. Sir, kya kehna chahenge film ke bare mein? How was your experience working with Shiva? Shiva sir, fully dedicated, very hardworking, non-stop, continuously. Like you know, unke mind mein sirf ek hi cheez chal rahi hoti hai. Movie, 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 movie. Whenever we used to discuss, like you know, it used to be long discussions and like very hardworking guy, very passionate. Bahut hard work gayi hai is film ko banane ke liye. Please all welcome to see the movie. Okay sir, thank you so much and all the best. Thank you.